हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जियोलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नीट का या एलेवेंथ का पोर्शन का, कर लीजिए क्लास सुपर क्लास पिसेस का, क्लास ऑस्टिकथीज या बोनी फिसेस। ये है क्लास आपका क्लास ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज ये इसी को बोलते हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। कुछ चीज़ें इसमें मैं विशेष बताऊंगा, बाकी जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर वो बताऊंगा, कुछ विशेष बातें बताऊंगा। ये मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड ही होगा, पेक्टोरल फिन पेलविक फिन पाया जाएगा, टेल होमो सर्कल होगा। टेल कैसे, पहले हॉलमार्क फीचर समझ लीजिए, पहले आप आइडेंटिफाइंग करेक्टर देखिए। हॉलमार्क फीचर या आइडेंटिफाइंग करेक्टर का मतलब होता है जो करेक्टर दूसरे क्लास में ना मिले। पहली बात इसमें जो होता है होमो सर्कल टेल होता है, पहली बात दूसरे क्लास में नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है गिल के ऊपर अपर कुलम होता है, दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। यूजुअली चार पेयर गिल होते हैं, यूजुअली चार पेयर गिल होंगे और गिल के ऊपर गिल कवर पाया जाएगा। इसके पहले हम पांच पेयर होते थे, इसमें चार पेयर होगा, ठीक। उसमें गिल कवर नहीं था, इसमें गिल कवर है। उसमें वेंट्रल माउथ है, इसमें टर्मिनल माउथ है। उसका बोन कार्टिलेज का बना, ये उसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है। इसमें साइक्लॉइड टीनॉइड या गेनॉइड स्केल पाए जाते हैं, साइक्लॉइड टीनॉइड या गेनॉइड स्केल पाए जाते हैं। स्केल पिकुलियरिटी इसमें है, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है विथ एंटीरियर ओपनिंग माउथ पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, जबकि टेलियो उसमें नहीं पाया जाता, कार्टिलेजस में। ये रेस्ट कर सकती हैं, आराम से बैठ के जमीन पर सो सकती है, कोई टेंशन इनको नहीं। आईलिड्स नहीं पाई जाती, निक्टेटरी मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्रैनियल नर्व 10 पेयर होता है, ये हॉलमार्क फीचर नहीं है। कुछ मछलियों में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एयर ब्लैडर जो होता है या एयर ब्लैडर लंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। मछलियाँ जो होती है इसमें डबल चैम्बर हर्ड, इसमें बताइए हॉलमार्क फीचर ये नहीं है। बोनी फिशेज होती हैं, जो बोनी फिशेज होती हैं उसमें मोस्टली ओविपैरस होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। पैरेंटल केयरलेस डेवलप्ड होता है, समझ रहे हैं ना। हर्बीवोरस हो सकती है, कार्निवोरस हो सकती है, प्रेडेसियस हो सकती है, किसी नेचर की हो सकती है, समझ रहे हैं। रेस्पिरेशन गिल के द्वारा करती है, लेकिन कुछ जो है लंग के द्वारा भी करती हैं, जिसको लंग फिशेस कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लंग फिशेस बोलते हैं। रेस्पिरेशन गिल सिल्स के ही द्वारा होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, उसमें नोटोकार्ड परसिस्टेंट था, इसमें नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। टर्मिनल माउथ होता है, ये बता, होमो सर्कल टेल होता है, ये बता चुका हूँ। एक्सक्रीशन मिशन ऑफ फ्रीक्विट नहीं था, लेकिन अमोनिया का उसने वो यूरिया कर रहा था या ट्राइमिथिलीन ऑक्साइड का कुछ करते हैं, ये यू अमोनिया का उसने, इसलिए ये अमोनोटेलिक है, मिशन ऑफ फ्रीक्विट नहीं होगा।
मीसोनेफ्रिक किडनी हो गई, और ये अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक होते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात? ये अमोनोटेलिक होते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल होते हैं, इसमें वेनस हार्ट पाया जाता है, वेनस हार्ट उसमें पाया जाता था, डबल सर्किट उसमें डबल चैम्बर का वो भी था, ये डबल चैम्बर का ही भी होता है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, लेकिन उसमें स्क्रॉल वाल पाया जाता था, इंटेस्टाइन इसमें नहीं पाया जाता है। क्लेस्पर वहाँ था, क्लेस्पर नहीं है। कुछ पिकुलियरिटीज है जो उसमें था, इसमें नहीं है, और इसमें है उसमें नहीं था। एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर इसमें पाया जाता है, इससे इनको सिंक होने का कोई डर नहीं होता, डूबने का डर नहीं होता। नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व 10 पेयर ही होगा, क्रेनियल नर्व 10 पेयर ही होगा। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पैरेंटल केयर कम डेवलप्ड होगा, क्लेस्पर्स मेल में नहीं पाए जाएंगे, होमोसर्पल्टेल होगा, ये सारी बातें हैं। प्लेक्वाइड स्केल नहीं पाया जाएगा, टिनोइड, गेनोइड या साइक्लोइड स्केल पाया जाएगा, टिनोइड, गेनोइड या साइक्लोइड स्केल हो गया। तो इसका कुछ पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लीजिए। पहली बात इसमें होती है, पहली बात इसमें क्या होती है देखें, पहली बात स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है आगे पतला, पीछे पतला, बीच में चौड़ा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा। पोइकिलो थर्मल होते हैं ये, मैं कल बताया था, ये हॉलमार्क फीचर नहीं है, ये पोइकिलो थर्मल। इनके बॉडी का टेम्परेचर, या इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। जिनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं ये? बायोलेटरली सिमेट्रिकल, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, हो गई, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। फ्रेश वाटर होंगे या मैराइन फार्म हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन फार्म हो सकते हैं। टिनोइड, गेनोइड, साइक्लोइड स्केल पाए जा सकते हैं, यह हॉलमार्क फीचर इसका, स्केल्स प्रेजेंट, प्रेजेंट होते हैं। टिनोइड, गेनोइड, साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट, टिनोइड, गेनोइड, साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हो गया, ये हॉलमार्क फीचर है। जो हॉलमार्क फीचर होगा उसको मैं टिक कर दूंगा, ठीक है? हॉलमार्क फीचर को विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग। टिनोइड स्केल, गेनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल होगा। दूसरा है अपर कुलम, ये भी हॉलमार्क फीचर है। अपर कुलम प्रेजेंट, अपर कुलम प्रेजेंट विच कवर द गिल, जो क्या कवर करता है, विच कवर्स द गिल, जो किसको कवर करेगा, गिल को कवर करेगा, विच कवर्स द गिल, जो गिल को कवर करता है। और क्या पिक्यूलियरिटी है, गिल को कवर करता है, गिल 4 पेयर होंगे, गिल के क्या पेयर होंगे, 4 पेयर, ये भी हॉलमार्क फीचर है।
टिक टका दे रहे हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल माउथ होगा, टर्मिनल माउथ होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? कंप्लीट होगा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट होंगे, स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट होगा, स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट हो गया। ये उस मछली में इस मछली में अंतर है। नेक्स्ट है एयर ब्लैडर, ये भी हल वाल फीचर है। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट हो गया। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट विच प्रोवाइड बायोंसी, विच प्रोवाइड जो प्रोवाइड करता है क्या, विच प्रोवाइड बायोंसी, बायोंसी मतलब होता है बायोंसी उत्प्लवन बल देता है हो गया। नो डेंजर ऑफ सिंकिंग, इसका मतलब नो डेंजर ऑफ, इनको खतरा नहीं होता डूबने का, नो डेंजर ऑफ सिंकिंग। होमो सर्कल टेल होता है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन आर पेयर्ड, लेकिन क्या होगा होमो सर्कल टेल होगा। कल मैंने बताया था ये होमो सर्कल टेल है, ये होमो सर्कल टेल है। आप ख्याल क्या होंगे, जैसे मछलियाँ होती हैं ऐसे, कल बताया था मैंने, आवाज़ बार बार नहीं बताऊंगा मैं, या कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं, ये मछली होती थी, पूंछ जो होती होमो सर्कल कराती है। लेकिन इस कालीडान वगैरह देखेंगे तो एक टेल इसका बड़ा होगा, एक ऐसे छोटा होगा, ये तो इसका ये हेट्रो सर्कल है, ये होमो सर्कल टेल है इसका, ठीक है ना, तो होमो सर्कल टेल होगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऊपर लिखते रहिएगा, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू किसके थ्रू अकर्स होता है बोलिए ना, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू मीसोनेफ्रिक किडनी, मीसोनेफ्रिक किडनी, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू मीसोनेफ्रिक किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा पानी में डिफ्यूजबल होता है और यूरिया की तुलना में 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए जल्दी जल्दी निकालते रहते हैं। अमोनिया निकालते इसका मतलब ये मोनोटेलिक होंगे, वो यूरिया निकाल रहा था, ये अमोनिया निकालते हो गया ना। ये हर्बिवोरस हो सकते हैं, हर्बिवोरस, कार्निवोरस,
ओमनीवोरस हो सकते हैं। प्रीटरी भी हो सकते हैं, कुछ लार्वी ओरस हो सकते हैं, लार्वी वोरस, लार्वा वगैरह खाने वाले हो सकते हैं, हो गया ना, लार्वी वोरस वगैरह हो सकते हैं। ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्रैनियल नर्व टेन पेयर होगा। क्रैनियल नर्व क्या होगा, टेन पेयर। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ये कान में पाया जाता है, इंटरनल ईयर में, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज कंसिस्ट्स ऑफ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कान में पाया जाने वाला, इंटरनल ईयर में पाया जाने वाला बैलेंसिंग आर्गन होता है, समझ रहे ना, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल का बना हुआ होगा। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज कंसिस्ट्स ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल किसका बना होगा, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल का बना होगा। इस और लेटरल लाइन आर्गन फाउंड, लेटरल लाइन आर्गन पाया जाता है, इसमें भी उसमें पाया जाता है, दूसरे भी लेटरल लाइन आर्गन फाउंड। ये क्या करता है, रियो रिसेप्टर आर्गन, धाराग्राही अंग, पानी में अगर किस दिशा में पानी बह रहा है इसको पता चलेगा उससे, इसी को धाराग्राही अंग कहते हैं। लेटरल लाइन आर्गन्स फाउंड, लेटरल लाइन आर्गन्स फाउंड विच, जो क्या करता है, विच लेटरल लाइन आर्गन फाउंड, लेटरल लाइन आर्गन्स पाए जाते हैं, जो क्या करता है, विच एक्ट एज ए रियो रिसेप्टर आर्गन, रियो रिसेप्टर आर्गन, विच एक्ट एज ए रियो रिसेप्टर आर्गन, हो गया, जो एक रियो रिसेप्टर आर्गन की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, रियो रिसेप्टर आर्गन, धाराग्राही अंग, आर एच ई ओ आर ई सी पी टी ओ आर, धाराग्राही अंग, जल धारा, हो गया ना। मेल फीमेल बोथ आर सेपरेट, मेल फीमेल बोथ आर
सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फाउंड, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। नीचे के लिख लिए हो तो इसको इरेज कर दे हो। नीचे के लिख लिया तिरेज कर दे भाई। हो गया अब्सेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, उसमें इंटरनल था तभी बेबी पैरस थे वो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट मेल विदाउट कैश क्लैस्पर, मेल विदाउट क्लैस्पर्स, मेल बिना क्लैस्पर्स के होते हैं। वो भी पैरस होते हैं, ये वो बीवी पैरस थे। वो क्या थे? बीवी पैरस। ये क्या है? वो भी पैरस होते हैं। कोई प्रॉब्लम होता आप बताएं? नहीं है। एग्जांपल देखिए, एग्जाम हाँ, टू चैम्बर्ड हर्ट होता है। हर्ट होता है क्या? चैम्बर्ड का हर्ट होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? दो चैम्बर हर्ट, क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये डबल चैम्बर हर्ट जो होता है, दो चैम्बर, कल बताया था एक एट्रियम एक वेंट्रिकल का बना होगा, कल बताया था मैंने, उसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल का बना होता है। वेनस हर्ट होते इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेनस हर्ट। क्यों वेनस हर्ट बोलते हैं? क्योंकि इसके पास क्या होता है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही देता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, डी ऑक्सीजन ब्लड को देगा। कोई प्रॉब्लम होता आप बताएं? अब इसके बाद एग्जांपल देखिए आप, बहुत प्यारा प्यारा एग्जांपल है, देखते रहिएगा। कुछ हम एनसीईआरटी से हट के भी एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी एम्स वगैरह माता भी है। देखो पहला लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता रोहू कटला, इसको कटला ही कहते हैं। क्लेरियास, क्लेरियास मांगुर, हेटरोपिनिस्टस, 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 इसको कहते हैं सिंघी। क्या बोलते हैं? सिंघी मछली का नाम है, ठीक है। इसके अलावा है वलैगो, अट्टू,
AWTU, इसको बोलते पहिना, देहात के लड़के जानते होंगे सब। वलैगवट्टू पहिना, ये अपनी बिराद ये मछलियों खा जाती है ये मछलियों। वलैगवट्टू जो है पहिना जो होती है, जो दूसरी छोटी मछलियाँ होती है उसको खा जाती है। दूसरी मछली क्या करती है, खा जाती है। अगर कोई पांड कल्चर किया हो, उसमें लेबी रोहित तक ढेर सारे बच्चों को छोड़ा हुआ हो, और उसमें एक ठो वलैगवट्टू बड़ा, दो तीन ठो छोड़ दीजिए, पूरा साफ़ कर डालेंगी। क्यों, सभी बच्चों को खा जाएंगी ये मछली। खाती है मछली, मछली खाती है वलैगवट्टू। अब आपको हम लंग फिशेस बता दें, तीन ही लंग फिशेस और तीनों तीन जगह पाई जाती है, नाम जान लीजिएगा। कभी क्वेश्चन पूछते हैं लेबिटोसायरिन, प्रोटोप्टेरस न्योसिराट, प्रोटोप्टेरस न्योसिराटोडस और लेपिडोसायरिन, ये तीनों लंग फिशेज है ना। इसके अलावा भी लार्विवोरस फिशेज चार्ट हम बता देंगे, ये सब आपकी बुक में नहीं दिया है। हाँ और बता दें आपको, बेट्टा एक्वेरियम फिश है या फाइटिंग फिश है। बेट्टा फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश। और एक हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, इसमें मेल में ब्रूड पाउच होता है। कहाँ में ब्रूड पाउच होता है, मेल में, मेल कंटेन ब्रूड पाउच, मेल कंटेन ब्रूड पाउच, इसलिए प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं। कोई पूछा आपसे, कोई ऐसा ही नहीं बताया जिसमें जिसमें मेल प्रेग्नेंट होता हो, तो आप तुरंत बताएंगे हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा नहीं, ये हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस क्या बोलते हैं, सी हॉर्स, जानते ही नहीं। सी हेयर कहाँ था, एप्लाइसिया मोलस्का में, बोलिए ना। सी हॉर्स कहाँ, सी हेयर कहाँ था, एप्लाइसिया। और सी माउस कहाँ था, एप्रोडाइट एनिडा में, पढ़िए ना। हो गया, ये तो हो गए जनरल बातें, और अभी कुछ नाम बताते हैं आपको। ऊपर से रेस कर रहे हैं हम, तब एग्जांपल लिख पाएंगे पूरा। हो गया, इसके बाद जो मैं पढ़ा था एग्जांपल, और देखिए लेपिडोसायरिन, लेपिडोसायरिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। इसको बोलते हैं अमेरिकन लंग फिश, अमेरिकन, अमेरिकन लंग फिश। दूसरा है नियो सिराटोडस, इसको बोलते हैं ले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। और प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस ये है अमेरिकन लंग फिश। ये बुक में आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, याद रखिएगा।
ये आपके NCERT बुक में नहीं मिलेगी। अमेरिकन लंग फिश, ये कुछ दो चार एक दो ठो बढ़ाया जाता है, ये तीनों को मिला के बोलते हैं डिप्नोई फिशेस। क्वेश्चन पूछता है डिप्नोई फिशेस, तीनों को मिला क्या बोलते हैं? डिप्नोई फिशेस। कोई टेंशन हो तो आप बताएं, बोलिए ना। अगला है, हो गया ना, अमेरिकन लंग फिश, लंग ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, सॉरी ये अफ्रीकन लंग फिश है, सॉरी अफ्रीकन लंग फिश, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं, अफ्रीकन लंग फिश, हो गया ना। इसके अलावा गंबूजिया, मीनोज, ट्राउट, थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश, स्टिकल बैक फिश, दीज ऑल आर, दीज ये सब के सब क्या है, दीज आल आर, ये यहाँ से लार्वी वोरस फिशेज, लार्वी वोरस फिशेज, डेंगू कोई पूछे। अब देखिए नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके कि ऐसी मछली के नाम बताइए जो इसका संबंध मलेरिया से हो, फाइलेरिया से हो या डेंगू फीवर से हो, तो आप क्या बताओगे? बोलिए ना, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू फीवर से जिसका संबंध हो तो क्या बताओगे आप? इसमें से कोई मछली के नाम दिया, गंबूजिया, मीनोज, ट्राउट, थ्री स्पाइन शिकल बैक फिश, ये आपको मिलेगा जब डेंगू फीवर वगैरह पढ़ते हैं आप 12th में, तो ये नाम दिया रहता है दो तीन ठो, ठीक है ना, इसको याद कर रहिएगा। ये यहाँ तक आज आपका है, ये फिशेस का पूरा करेक्टरशिप पीछे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, इसकी गारंटी, फुल गारंटी मैं लेता हूँ। नीट का पेपर उठाइए, नीट का, और आप देखिए उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसमें क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले मत देखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमेशा अपडेट होना सीखिए, अपडेट रहेंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा, अपडेट होना सीखिए, अपडेट। पुराने आप CPMT PMT एक को क्वेश्चन हल मत करिए, NCERT पूरा पढ़ा लिया, NCERT बेस्ट क्वेश्चन पूरा हल कर डालिए, आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा। कन्फिडेंस रखिए, जो पढ़े कन्फिडेंस के साथ पढ़िए, उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गारंटी है नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाऊँगा अभी फ्री ऑफ कास्ट, फुल सिलेबस पढ़ाऊँगा। अभी मैं टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जो है साइटोलॉजी पढ़ाऊँगा, साइटोलॉजी के बाद फिर आपको जो है बायोमॉलिक्यूल पढ़ा दूँगा, बायोमॉलिक्यूल को टिश्यू पढ़ा, टिश्यू के बाद फिजियोलॉजी पढ़ा दूँगा, 11th का पूरा पोर्शन फास्ट साफ हो जाएगा, हमारी बात समझ रहे हैं। टैक्सोनॉमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अब तो दो तीन दिन लगेगा, तीन या चार दिन मैक्सिमम ख़त्म, पूरा टैक्सोनॉमी ख़त्म, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन सब हल करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है जिससे मैं वीडियो भेजता हूँ, तो आप कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए, भाई देखिए अभी मैं एक महीने से उतरा हुआ हूँ इस फील्ड में, और पढ़ाया हूँ तो बहुत, मैं बहुत टॉप टॉप क्लास को पढ़ाया हूँ, टॉप टॉप मैंने रिजल्ट MBBS को दिए, लेकिन जो इससे पढ़ाया ऑनलाइन मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ, ठीक है, तो पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज मेरा एकदम बिल्कुल पहले जैसे निराला है। अपडेट होना सीखिए, पुरानी परंपराओं को भूल जाइए। सर जी इस तो CPMT में आता, तो CPMT ऊपर को मड़े चला गया, इसमें क्या मिल रहा है आपको? CPMT ख़त्म हो गया, आप नीट मिल रहा है, तो नीट को आप देखो, फिर कोई दूसरा आएगा तो उसको देखिएगा, तो ये सब क्वेश्चन देखिए। NCERT फिजिक्स का भी थ्योरी पूरा NCERT, केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी NCERT, बायोलॉजी तो पूरा NCERT, दो चार ठोला से बता दिया जाता है, इसका भी कहीं कहीं संबंध होता है तब बता देते हैं, नहीं इससे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे भी नहीं। क्यों आपको हम कन्फ्यूज़न में डाले भाई? कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उठो जागो,
लक्ष्य पाने तक मत रुको, उठो जागो लक्ष्य पाने तक मत रुको, समझ रहे हैं। ऐसा करिए कुछ, आपको भी बेनिफिट मिले, आपके दोस्तों को मिले, आप भी अपना पढ़िए, दूसरों को बताइए, ये फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है और पूरा सिलेबस चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हम बताइएगा। फिर मिलते हैं हम कल, किसके साथ, एम्फीबिया के साथ, किसके साथ, चलें बाय।